गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एल्फ गुडनेस के कुछ जेल्स के। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ जाएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा एंड चैनल पर नया आएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। ओके एंड मैं पहले आप लोग को बता दूँ, ये वाला मेकअप लुक मेरा कुछ ज्वेलरी वगैरह मैंने उतार दी है, चेंजेस कर लिए हैं। ये वाला मेकअप लुक ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर जो कि है गरबा मेकअप लुक। अगर जिन लोगों ने नहीं चेकआउट किया प्लीज़ कर लीजिएगा, लिंक मैं नीचे प्लेलिस्ट का दे दूंगी आप लोगों को मेकअप के प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ रिव्यू। तो गाइस आप लोग देख सकते हो एल्फ गुडनेस के दो जेल्स का मैं आज रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि ये दो जेल हैं। आप लोग देख सकते हो मैंने काफ़ी पास किया हुआ है कैमरे के। तो गाइस यहाँ पे एक है एल्फ गुडनेस ऑरेंज डिटॉक्सीफाइड जेल, जिसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 29 ग्राम। एंड एक और एल्फ गुडनेस का जेल है मेरे पास जो कि है एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल, एंड इसकी भी प्रोडक्ट क्वांटिटी 29 ग्राम है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों इस तरह की पैकेजिंग में आता है और काफ़ी अच्छे से पैकेजिंग होती है, यहाँ से सब कुछ दिखता होता है। ओके आप लोग देख सकते हो ये जो है ऑरेंज कलर का प्रोडक्ट है बिकॉज ये ऑरेंज जेल है। तो आप लोग को मैं यहाँ से दिखा दूँ, इस तरह की इसकी पैकेजिंग होती है जिसके बाद इसको आपको रिमूव करना होता है इस तरीके से। एंड आप लोग देख सकते हो इसको मैं ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ और इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही फ्रेशनिंग वाली फीलिंग आती है। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड इसकी सेल्फ लाइफ की बात करूँ गाइज तो सॉरी पहले प्राइस की बात करती हूँ। तो प्राइस है गाइज यहाँ पे 99 रुपीज़ एंड अगर सेल्फ लाइफ की बात करती हूँ तो 2 ईयर है इसकी सेल्फ लाइफ। ओके और ये मैंने पर्पल से लिया था जब वहाँ पे ऑफर थे। एंड आप लोग देख सकते हो मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था, गिली गिली लग रही होगी आप लोग को बिकॉज मैं इसको ठंडा करके यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे थोड़ा थोड़े अगर आप इसको ठंडा करके यूज़ करोगे किसी भी जेल को तो आपको अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम तो वो धीरे धीरे कम होगी, ऐसा नहीं कि एक बार में ख़त्म हो जाएगी। और ये है गाइज एलोवेरा जेल जिसको मैंने एक बार ही यूज़ किया हुआ है। रीज़न ये है कि मेरे घर जो है एलोवेरा का प्लांट है तो मैं उसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेकिन हाँ कभी किसी किसी DIY में मुझे ऑनलाइन वाला या फिर जो भी एलोवेरा जेल होता है मार्केट वाला उसको मुझे यूज़ करना होता है, इसीलिए मैंने इसको परचेज किया था। एंड इसको मैंने एक बार यूज़ किया हुआ है अभी और इसका भी रिज़ल्ट, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो इसमें लाइक मैं दिखाती हूँ अभी आप लोग को स्मेल है हल्की मीठी सी आती है और इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं है आप लोग देख सकते हो। तो जिनके भी फेस पे एज लाइंस रिंकल्स है, जिनके घर पे अगर प्लांट है एलोवेरा का तो उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल बात है, लेकिन जिनके घर पे नहीं है तो जो मार्केट से यूज़ करते हो एक बार एल्फ गुडनेस का ज़रूर यूज़ किया करिए बिकॉज वो अफोर्डेबल के कैटेगरी में आते हैं। बिगनर हो तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। सो ये वाला जेल है और वैसे भी मेरा ये वाला जेल जैसे ही ख़त्म होगा तो मैं कोई दूसरा जेल वगैरह मंगाऊंगी, लेकिन उससे पहले जब तक मैं ये जेल यूज़ करूँगी। ओके बिकॉज आप हमेशा बार बार एलोवेरा का जेल निकाल के यूज़ करने में तो होता नहीं है, इसीलिए समझ रहे हो आप लोग। एंड इसकी भी प्रोडक्ट क्वांटिटी मैंने बता दी है एंड इसकी भी सेल्फ लाइफ 2 ईयर है, यहाँ पे प्राइस इसका मेंशन नहीं है। लेकिन गाइस ये दोनों ही एल्फ गुडनेस के प्रोडक्ट हैं, दोनों की प्रोडक्ट क्वांटिटी है 29 ग्राम। तो आई गेस ये भी आपको 99 में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप सेल पे लोगे तो आपको और भी कम पे ये दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये दोनों प्रोडक्ट है जिसका मैं आज रिव्यू कर रही हूँ। इसको मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया हुआ है, अभी मेरे को पिंपल आए थे बहुत बड़े बड़े इसलिए मैं नीम का टोनर यूज़ कर रही थी, इसीलिए मैंने जेल वगैरह नहीं यूज़ कर रही थी कुछ भी नहीं, बस ओनली नीम का टोनर यूज़ कर रही थी बिकॉज बड़े बड़े वो हो चुके थे इसीलिए। एंड इसका मैं रिव्यू आज इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि जिनकी भी स्किन ऑयली है उनके लिए मस्त वाला एकदम ये ऑरेंज जेल है या फिर एलोवेरा जेल भी है। लेकिन अगर आप किसी और कैटेगरी में अपने फेस को मॉइस्चराइज करना चाहते हो लाइक किसी लाइट मॉइस्चराइजर की तरह तो आप इसको कोई भी ऑयली स्किन वाले जिनकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो वो प्लीज़ जेल से ही यूज़ किया कीजिए गर्मियों में अपने फेस पे बिकॉज जेल जो है मॉइस्चराइज भी करते हैं डीपली आपकी स्किन को एंड साथ ही आपकी जो ऊपरी लेयर है उसको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ दिखाती है। एंड इसको अगर आप फ्रिज में रख के यूज़ किया करोगे तो आपको और भी ज़्यादा इसकी गुडनेस मिलेगी गर्मियों में। ओके एंड ठंड में तो ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो थोड़ी बहुत तो ड्राई हो ही जाती है तो वो उस समय आप यूज़ कर सकते हो कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपका फेवरेट हो, या मैंने भी मॉइस्चराइजर का रिव्यू दिया हुआ है लाइट मॉइस्चराइजर का आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर गर्मियों का मौसम है तो जेल्स बेस्ट है गाइस। आप लोग देख सकते हो कितने खूबसूरत लग रहा है ये देखने में, तो अगर आप लोग चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। ऑयली स्किन वाला है, मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली, पता नहीं कभी कभी इतनी ज़्यादा ऑयली हो जाती है लाइक मुझे ऑयल के कारण इतने बड़े बड़े यहाँ पे पिंपल हो गए थे आप लोग देख सकते हो, थोड़े बहुत निशान भी है मेकअप के कारण अच्छे तरीके से नहीं दिख रहे हैं।
यही रीजन था कि मैं अभी अब तक ये खत्म हो चुकी होती गाइज, लेकिन मुझे टोनर अप्लाई करना था इसीलिए मैंने नहीं यूज़ किया। आप लोग चाहते हो अफोर्डेबल कैटेगरी में बिगनर हो तो ये दोनों जेल्स को जरूर ट्राई करिए, इसमें बहुत सारे और भी वराइटियाँ अवेलेबल है, आप चाहो तो वो सब यूज़ कर सकते हो। ओके एंड या वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, एंड नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को ये मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ये वाला मेकअप लुक आप लोग जरूर देखिएगा, गरबा मेकअप लुक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।